टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजीज। हाय एवरीवन, अभी तक हमने बेसिक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में सीखा। दिस वीडियो एंड द नेक्स्ट 11 वीडियोस विल कवर एडवांस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। आज का टॉपिक है टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजीज। यहाँ पर हम मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में सीखेंगे। मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में हम स्टॉक्स का प्राइस मूवमेंट दो या ज्यादा टाइम स्केल्स पर इवैल्यूएट करते हैं। यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स यूज लॉन्ग टर्म प्राइस चार्ट्स टू आइडेंटिफाई ट्रेड्स ऑन शॉर्ट टर्म प्राइस चार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 2 आवर टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम वाले चार्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पे ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होता है कि दोनों लॉन्ग टर्म प्राइस चार्ट्स और शॉर्ट टर्म प्राइस चार्ट्स सेम ट्रेंड शो कर रहे हैं। इफ द स्टॉक शोज द सेम ट्रेंड ऑन बोथ द चार्ट्स, अ ट्रेडर विल एंटर द ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर दोनों चार्ट्स में ट्रेंड नेगेटिव है तो ट्रेडर स्टॉक बेच सकते हैं या फिर शॉर्ट सेल कर सकते हैं। अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो ट्रेडर स्टॉक को बाय कर सकते हैं। बट वॉट इफ बोथ चार्ट्स शो डिफरेंट ट्रेंड्स? इस सिचुएशन में आप दो चीजें कर सकते हैं, या तो जो ट्रेंड लॉन्ग टर्म प्राइस चार्ट पर शो हो रहा है उसको फॉलो करें, या फिर इंतजार करें टिल द शॉर्ट टर्म प्राइस चार्ट शोज द सेम ट्रेंड। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रेकआउट्स के बारे में सीखेंगे। सी यू देयर, टिल देन टेक केयर। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.